स्टूडेंट, आज हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 3 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर और समझेंगे कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और हमने उसको कहा भाई तू गुडविल का शेयर ला और वो गुडविल नहीं लाता है तब जनरल एंट्री क्या होगी। देखो होता क्या है, जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिट होता है सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ भैया तू कैपिटल ला, वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी कैपिटल, सपोज करो मैंने बोला 5 लाख कैपिटल ला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल होता है, नया कैपिटल, जो नया पार्टनर पैसा लाया कैपिटल का, फिर मैं उसको बोलूँगा तो गुडविल ला, तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, मैं कैश अकाउंट डेबिट करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट करूंगा और हमेशा क्रेडिट क्या करता हूं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सपोज करो उसको 10,000 रुपये लानी है तो मैं एंट्री करूंगा कैश लाया 10,000 रुपये, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट हुआ क्या, पार्टनर बोलता है मैंने कहा गुडविल का पैसा ला, पार्टनर ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है अभी देने के लिए, जो नया पार्टनर है सी मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। तो भाई मैं हूँ पार्टनरशिप वो, मुझे पता है सी होशियार आदमी है, वो मेरे बिजनेस में आएगा, ग्रो करेगा, मैंने कहा ठीक है तू बाद में दे देना। तो इसका मतलब है मुझे सी से पैसे लेने हैं, तो मैं कैश तो डेबिट कर नहीं सकता बिकॉज वो गुडविल का पैसा लाया नहीं, तो मैं डेबिट क्या करूंगा, सी से पैसे लूंगा ना, फ्यूचर में फ्री में तो छोड़ूंगा नहीं, या तो वो पैसे ला कैश ला, अगर आज नहीं तो कल लाएगा, तो मैं सी को डेबिट करूंगा। तो मैं कैश अकाउंट को हटा के, मैं बोलूंगा सी करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों, अभी बताता हूँ, सी करंट अकाउंट को डेबिट करूंगा 10,000 से, मतलब मैं फ्यूचर में सी से पैसे लूंगा 10,000। ये करंट अकाउंट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वो ना 1-2 दिन में या 15-20 दिन में या 2-3 महीने में पैसे दे देगा, तो मैं कैपिटल अकाउंट को छेड़ना नहीं चाहता हूँ, टच नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे मैं सी कैपिटल डेबिट नहीं करके सी करंट करूंगा। क्या मैं फिक्स मेथड फॉलो करूँ, क्या फ्लक्चुएटिंग करूँ, दोनों केस में सी करंट अकाउंट होगा। तो मुझे सी से पैसे लेने हैं तो सी करंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, मुझे सी से पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं 10,000 रुपीज, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपीज। क्लियर है, अगर वो पैसे लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अगर वो पैसे नहीं लाएगा, तो और बोल रहा हूं, या तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट होगा, अगर वो पैसे नहीं लाएगा तो सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा, क्रेडिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा और उसके बाद तो नॉर्मल एंट्री होगी। ठीक है ना, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसे समझ में आएगा। ए एंड बी आर द पार्टनर 5-3, सी एडमिटेड 1/5 शेयर विच ही टेक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, सी ब्रिंग 3 लाख इज कैपिटल, टोटल गुडविल फॉर्म इज 1 लाख रुपी, बट सी ओनली ब्रिंग 70,000 ओनली फॉर हिज शेयर, ओके कितना है, ओके लेटर ए एंड बी रिटेन 20,000। अरे भैया ये क्या क्वेश्चन है, अरे कितना सिंपल है, देखो सबसे पहले तो वो कैश लाया, हाँ कैश लाया, क्या लाया, कैपिटल लाया, तो टू सी कैपिटल, कितना पैसा लाया कैपिटल का सी, फिर सी पैसा लाया, एक ये लाया 3 लाख रुपए लाया गुडविल का, सॉरी गुडविल का नहीं, कैपिटल कितना लाया 3 लाख रुपए लाया, ओके। उसके बाद मैंने कहा भाई तू गुडविल का पैसा तो ला, तो उसका गुडविल कितनी है, 1 लाख टोटल फर्म भी गुडविल है, तो भैया वो गुडविल का पैसा कितना है, कितना पैसा है, एक मिनट, टोटल जो गुडविल है, वो कितनी है, फॉर ए 1 लाख रुपए, सी का शेयर कितना है, सी का टोटल गुडविल कितनी है 1 लाख रुपए, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो सी का शेयर कितना है 1/5, तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ, सर 1 लाख रुपए इंटू 1/5 इज इक्वल टू 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, ओके। वो कितना पैसा लाया, 17,000 रुपए लाया, 17,000 रुपए लाया है, मैंने तो कहा था भैया तू 20,000 रुपए ला, टोटल गुडविल 1 लाख है, 1/5 शेयर है, तो भैया उसका शेयर तो 20,000 रुपए होता है, पर वो कितना लाया, वो लाया मात्र 17,000 रुपए, तो वो कैश कितना लाया, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा 17,000 रुपए, बाकी के 3,000 रुपए उसने कहा बाद में दे दूंगा, तो इसका मतलब है 3,000 रुपीज मैं डेबिट करूंगा सी करंट अकाउंट, प्लीज करंट अकाउंट करना, नेवर एवर डू कैपिटल अकाउंट, सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा। और ये पैसा किस लिए आएगा,
प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आएगा 20,000 रुपये। टोटल 20,000 रुपये आने चाहिए थे, 1,00,000 का शेयर है और वो 20,000 रुपये आने चाहिए थे और ये मेरे पास 20,000 रुपये आ गए। 17,000 कैश लिया, बाकी 3,000 बाद में लाएगा, तो ये करंट अकाउंट मैंने डेबिट कर लिया। क्लियर है? उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये मैं कौन से रेशियो में बांटूंगा? ये मैं बांटूंगा टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल इन अ सैक्रिफाइजिंग रेशियो। सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालें, चलो सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड ए और बी का सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:53। सी का शेयर कितना है? सर सी का शेयर है 1/5। तो अगर टोटल शेयर आपका, टोटल जो शेयर है वो 1 है, तो बैलेंस कितना बच गया? 1 - 1/5 = 4/5। ठीक है ना? वो बोलता है 1/5 शेयर इज प्रॉफिट विच ही टेक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ओके, इसको अपन ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको अपन ऐसे करेंगे। ए, जो मैं आपको सिस्टम बताया था, ए बी और सी, आपका जो शेयर है ओल्ड शेयर कितना है? सर ओल्ड शेयर है 5/8, 3/8। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट कितना है? सी का शेयर कितना है? सर सी का शेयर 1/5 है, 1/5 है। वो बोलता है उसने ये 1/5 शेयर इक्वली लिया। आप बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली आने वाला है, पर मैं आपके, आपकी नॉलेज के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। उसने 1/5 शेयर इक्वली लिया ए और बी से, मतलब उसने 1/5 का आधा बी ए से लिया और 1/5 का आधा बी से लिया। आपका नया शेयर निकालो 5/8। मैं इतनी कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ? जस्ट आपको समझाने के लिए, जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा, 1:1 होगा। फिर क्यों होगा अभी आप निकाल के बता दो। 50 - 8 = 42/80, 10/30 - 8 = 22/80। नीचे 8 होना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? तो 80/5। अगर मैं 16 और 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 16/80 हो जाता है। तो जो आपका नया शेयर हो जाता है, आपका जो ए बी और सी का ओल्ड शेयर है आपका 5:53, नया शेयर है आपका, सब में 80 है, 80, 80, 80, तो 42, 22, 16, 42, 22 और 16। एक बार चेक कर लो, 40, 60, 70, 80। एक ये अपना 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो 21, 11 और 8, तो 21, 11 और 8 हो जाएगा, 21, 11 और 8। अरे भाई, 2 से आपका जो नया रेशियो है वो है 42, 22 और 16, तो ये 8, ये 11, ये 21, 11 और 8। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू निकालो, ए का निकालो 5/8 इक्वल आएगा। आप देख लेना 21, 20, 30 और 40, 40 = 45, 25 - 21, 4/40 or 3/8 - नया रेशियो 11/40, 45, 15 - 11, 4/40। तो आपका ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 4/40, 4/40, 40/40 common 4/4, 1:1 हो गया। क्लियर है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया। तो जो भी वो गुडविल लाएगा वो हम 1:1 में बांट देंगे 10,000। ऑलवेज ऑलवेज प्लीज हमेशा ध्यान रखना, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा 1:1 के अंदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने इक्वली लिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। लेटर ए एंड बी रिटेन 20% गुडविल। ओके, ए और बी ने रिटेन किया, इसका मतलब है 20% रिटेन किया, इसका मतलब है 80% दे दिया। 20% रिटेन किया तो 80% विड्रॉ कर लिया। अरे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 20% तो रिटेन किया, फर्म के अंदर रिटेन किया, मतलब बाकी का 80% क्या हो गया? विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब है इसका जो उनको 10,000 रुपये मिले, उन्होंने उसको 80% विड्रॉ कर लिया। तो क्वेश्चन में कहाँ लिखा 80%? 20% रिटेन किया था, मतलब 80% विड्रॉ कर लिया। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट
टू कैश उन्होंने विड्रॉ कर लिया 8,000 रुपये और टोटल 16,000 रुपये उन्होंने हटा दिया, उन्होंने कैश विड्रॉ कर लिया। क्लियर है, समझ में आया आपको? क्लियर है। तो पहले मैंने एंट्री क्या किया, पहले वो एंट्री किया जो वो बिजनेस में पैसा लाया, बिजनेस में पैसा लाया कैपिटल, फिर वो गुडविल लाया 17 और 3 20 लाया था, तो 17 लाया, बाद में 3 लाएगा, तो करंट अकाउंट किया। ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ कभी मत भूलना, करंट अकाउंट ही करना है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में बांटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और फिर ए और बी ने कैश विड्रॉ कर लिया 80%। हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका हो गया, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। ओके चलो, ये हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है तो एक एडिशनल एंट्री होगी। ओके, पर इसके पहले आप लाइक जरूर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यार इतनी बार बोलता हूं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मेरा 12th का पूरा कोर्स कवर करने वाला हूं YouTube पे। तो यस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लो यार, accountfund.com पे जाओ, 100% कोर्स वहां पे अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, 1000 क्वेश्चन मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर। तो आप वहां पे ज्वाइन करो, एंड ये सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर आपको चैनल अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।